Brought to you by ITIL Series. नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 17 और 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल की बहुत बड़ी भर्ती हो रही है और ये जो भर्ती है ये 60,244 पदों के लिए है जिसको कुल चार पालियों में जो है संपन्न किया जाएगा। इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा एक सामने आंकड़ा आया जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है, कितनी बड़ी संख्या में जो है ये भर्ती करवाई जा रही है और इसे न केवल बड़ी भर्ती बल्कि डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा ने इसे भर्ती का महाकुंभ बताया। जी हाँ, हमारे संवाददाता संतोष शर्मा से बात करते हुए डीजी भर्ती बोर्ड ने बताया कि ये इस भर्ती की तैयारी जो है संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है और हर जगह हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरास और जो पेपर को ले जाने ले आने वाली जो तमाम व्यवस्थाएं सब कुछ तैयार है। अब इंतजार किया जा रहा है 17 और 18 फरवरी का। अब जैसा कि हम आंकड़ों की बात कर रहे थे तो आपको बता दें कि ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि इसे बाकी राज्यों से भी जो है एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचेंगे। लगभग 6 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाकी दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश से नहीं है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो है वो बिहार के हैं। बिहार से लगभग 2,67,305 अभ्यर्थी आएंगे इस एग्जाम को देने के लिए। मध्य प्रदेश से 98,400 अभ्यर्थी आएंगे इस एग्जाम को देने के लिए। राजस्थान से 97,277 बच्चे आएंगे। हरियाणा से 74,769 बच्चे जो है इस एग्जाम को देने के लिए आएंगे। दिल्ली से 42,259, झारखंड से 17,112, पश्चिम बंगाल से 5,512, महाराष्ट्र से 3,151, पंजाब से 3,404 अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए जो है वो आएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार से लेकर दमन दीव तक अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ये जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है और इसे देने के लिए ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम राज्यों से इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने अप्लाई किया है। बाकायदा कल यानी कि 17 और 18 फरवरी दो दिन में दो दो पालियों में यानी कि कुल चार पालियों में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और इस एग्जाम को लेकर ना केवल पुलिस प्रशासन बल्कि तमाम जो जिला प्रशासन है उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो इतनी बड़ी है कि आप सोचें कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे दुनिया के 110 देशों की कुल जनसंख्या जितनी है उसमें उतनी जनसंख्या के हिसाब से, उन आंकड़ों के हिसाब से पुलिस भर्ती में ये जो है अभ्यर्थी बैठेंगे। अब एडमिट कार्ड की बात किया जाए कि कितने बच्चों ने जो है इसके लिए अप्लाई किया, लगभग 50 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है और जो एडमिट कार्ड जो वितरण हुए हैं वो 48,17,441 अभ्यर्थियों में से 15,48,969 जो है वो महिला कैंडिडेट्स हैं जो कि इस एग्जाम को देने के लिए आएंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर पाली में 12,04,360 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इस तरह की जो है कुल चार पालियां होंगी, मतलब 17 तारीख को दो पाली, 18 तारीख को दो पाली, इन दो दो पालियों में एक पाली में जो है ये 12,04,360 अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने के लिए बैठेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आ रहे हैं एग्जाम को देने के लिए और व्यवस्था जो है चाक चौबंद पहले से ही कर दी गई है। पहले ही डीजी भर्ती बोर्ड ने बकायदा सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि तैयारियां जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। सभी कैंडिडेट्स की जो स्कैनिंग है, जो बकायदा उनके आधार वेरिफिकेशन है, वो सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए और सेंटर पर पहुंचने के बाद टाइमिंग को लेकर भी विशेष ध्यान देना, यानी कि बच्चों को जो है सही समय पर परीक्षा पेपर जो है वो दे देना है, क्वेश्चन पेपर, ताकि वो आराम से अपना एग्जाम जो है वो शुरू कर दें। उसमें जो है किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए और हाँ, अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर फॉर्म भरते टाइम हो गई है तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए कि आप अपनी तरफ से आधार कार्ड और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और साथ ही साथ कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो जरूर लेकर जाएं अपने साथ, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या अगर फॉर्म में आती है या फॉर्म में आ गई है साइबर कैफे या खुद से भरने में, तो कम से कम वहां आप वेरीफाई करके निरीक्षक को अंदर जाकर पेपर दे पाए। लेकिन हाँ, इसी के अलावा जो तमाम सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि पेपर लीक हो जाएगा या फिर तमाम ऐसी जो बातें जिसमें लेकर सॉल्वर गैंग को की जा रही है, इन पर भी जो है पुलिस की तरफ से काफ़ी पुख्ता नजरें हैं और सभी को जो है अलर्ट कर
कर दिया गया, चाहे वो यूपी एसटीएफ हो या फिर जो जिला प्रशासन की टीम हो, उनको जो है पुलिस को बाकायदा एक्टिव कर दिया गया है कि वो लगातार नज़र बनाए रखें इस तरह के ग्रुप्स पर, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो तमाम जो मैसेज शेयर हो रहे हैं उन पर भी नज़र बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति फैलाई ना जाए, इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी कर दी गई है। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।